वेलकम। तो आज हम इस लेक्चर में एडवांस लेवल को सिंपलीफाई करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स, या सच्ची है या गलत है। इफ इट इज ट्रू, अगर ये बात ठीक है तो एक्सप्लेन योर रीजनिंग, अब रीजन भी दें, अगर गलत है फिर भी आप काउंटर एक एग्जाम्पल दें। देखते, पहला, सिक्स इज द फैक्टर ऑफ नंबर्स। अब सिक्स फैक्टर है किसी नंबर का, सिक्स इज अ फैक्टर ऑफ नंबर। अब किन किन का सिक्स जो है वो फैक्टर है, तो देखें, सिक्स एक खुद का फैक्टर है, फिर ट्वेल्व का फैक्टर है, फिर एटीन का फैक्टर है, फिर एग्जैक्टली 24 का है, फिर 30 का है, और फिर 36 का है, और इस तरीके से ये इसका फैक्टर, ठीक है। Then 2 and 3 are also the factor of that number. 2 और 3 भी फिर उन नंबरों के फैक्टर्स हैं। फैक्टर का मकसद क्या कि फिर वो 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ, क्या ये दोनों 2 एंड 3 फिर क्या इन सारे 6 के फैक्टर्स को डिवाइड करते हैं? तो जाहिर बात है हाँ करते हैं, 2 भी करता है 6 को, 3 भी करता है, और 12 को 3 भी करता है तो 2 भी करता है, 18 को 3 भी करता है 2 भी करता है, 24 को 2 भी करता है 3 भी करता है, 30 को भी, एंड एग्जैक्टली 36 एंड अप टू 16। तो इसकी बात तो ये ठीक है, हम कहेंगे आप सच्चे हो, आप ठीक हो, ये एग्जाम्पल रहा, ये रीजन रहा, ये ठीक है। बी पार्ट, इफ 2 एंड 3 आर द फैक्टर्स, अब बी पार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर, 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ, किन किन के ये फैक्टर्स हैं? ये तो पहले 6 के फैक्टर हैं, फिर 12 के फैक्टर हैं, फिर किसके हैं? 18 के हैं, दोनों एक साथ हों दोनों, ऐसा ना हो कि आप 2 से हो फिर 3 से ना हो, ऐसी गलत बात हो जाएगी, दोनों से, फिर 24 के हैं, फिर 30 के हैं, एंड सो ऑन। दूसरी बात क्या, Then 6 is also the factor of that number. Then, तो फिर 6 is also factor of that number. Factor of those numbers, हमने कह दिया those numbers. आप एक का कह रहे हैं, हम सारों को बता रहे हैं. तो ये 6 तो इसका भी factor है. तो 6 के किस किस का factor है? 6, 12, 18 and 24 का, और 30 का भी factor है. And up to so on. तो ये भी बात आपकी यार ठीक है, तो सॉरी ये वाली बात ठीक है आपकी, इस पे नहीं, आगे चलते। इफ 2 and 4 आर फैक्टर ऑफ सर्टेन नंबर, तो हम सी पार्ट पे चलते हैं। आप देखें 2 and 4 एक साथ किस किस के फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर आर ऑफ किस किस के फैक्टर होते हैं? तो ये आप 4 के फैक्टर होते हैं, फिर किसके होते हैं? 8 के फैक्टर्स होते हैं, फिर ये दोनों 12 के फैक्टर होते हैं, फिर ये दोनों आपके 16 के फैक्टर्स होते हैं, फिर ये दोनों 20 के फैक्टर होते हैं, एंड अप टू 16। देन 8 इज आल्सो फैक्टर ऑफ दैट नंबर, तो 8 भी उनका फैक्टर हो गए। तो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 8 जिनको डिवाइड कर सके, तो वो खुद 8 है, फिर 16 है, फिर 24 है, फिर 32 है, फिर 40 है, और इससे ज़्यादा। देखें कि यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ बड़े आसान से कहें कि 8 इनका फैक्टर है, क्या यहाँ पे देखें 8 है, यहाँ पे 16 है, लेकिन ये नंबर नहीं है, इनके 2 and 4 फैक्टर हैं, उनका 8 फैक्टर कुछ नंबरों का हो रहा है तो कुछ का नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे यार ये बात आपकी फाल्स है, गलत है, ठीक नहीं है, तो गलत बात हो गई। चलें आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे वाले पार्ट को, आगे वाले पार्ट क्वेश्चन नंबर किसमें, आगे देखते हैं डी पार्ट। इफ एफ इज द फैक्टर ऑफ इन, एफ फैक्टर है इन का, इन अपन, चलें हम कोई नंबर ले लेते हैं, लेट इन इज 2 एंड एफ इज 2, नहीं ऐसा करते हैं 6 ले लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं
6 एंड f इज 12, f इज 12। इसने क्या कहा कि n को आप किसे n को है वो जिसके से f से डिवाइड करें, ठीक है। f इज द फैक्टर ऑफ n, अगर देन f इज द फैक्टर ऑफ n, नहीं मैंने गलत कर दिया, मैंने ये चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे करनी है, ठीक है। हमें ऐसा f लेना है इज अ फैक्टर ऑफ n, f जो है मैंने अगर ले लिया 6 तो n का वो फैक्टर है, तो n मुझे लेना होगा या 18 या 12 या कोई भी नंबर। अच्छा, अब n अपान f के n को आप f के वैल्यू के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। अब ये 3 जो आया नया आंसर इज आल्सो द फैक्टर ऑफ n, वो 3 फिर इस n का फैक्टर होगा, यानी कि हर n को फिर वो 3 डिवाइड करेगा। ये बात तो ठीक है, कर रहा है, तो हम कहेंगे ठीक है, टू हो आप सच्चे हो। इफ h इज द HCF ऑफ p n q, अब इफ HCF ले लेते हैं, लेट p इज इक्वल्स टू 4 एंड q इज इक्वल्स टू सपोज कर ले 18। अब 4 और HCF ऑफ 18 अगर आप निकालेंगे, मैं यहाँ निकाल नहीं रहा, आपको बता देता हूँ, HCF ऑफ दीज टू इज 2, ठीक है। देन बोथ b एंड q आर डिविजिबल बाय दिस वन, तो ये वाली जो होगी HCF, ये HCF जो हमने निकाली, ये उन p और q को डिवाइड करेगी, करके देख लेते हैं। तो देखें, इसे डिवाइड करती है 2 टाइम और 18 को भी 2 टाइम करती है, 9 टाइम करती है। तो इसका मकसद है यार, आप यहाँ पे भी सच्चे हो, तो यहाँ पे भी आप सच्चे थे, यहाँ पे भी आप सच्चे थे, लेकिन यहाँ पे आपने झूठ बोला था, हमसे पकड़ लिया हमने आपको। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन पर, देखें 10 नंबर में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, द एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 एंड n इज 52। 9 की फैक्टर्स ले लें 3 एंड 3 इंटू 1, 12 के फैक्टर ले लें 2 इंटू 3। अब यहाँ पे भी कोई n है, मुझे नहीं पता उस n का, लेकिन इनकी अगर हम HCF लेते हैं, LCM लेते हैं, तो वो 252 बनाते हैं। तो पहले 252 के आप थोड़े से फैक्टर ले लें, 2 का टेबल 1 टाइम, फिर 2 टाइम एंड 6 टाइम, 2 का टेबल 6 टाइम एंड 3 टाइम, यही लगेगा ना, और 3 का टेबल 2 टाइम एंड 1 टाइम, फिर 3 का टेबल 7 टाइम, फिर 7 का 1 टाइम। अच्छा जी, ये कहता है कि इन दोनों की LCM, इन तीनों की, सॉरी यहाँ पे n हमने अभी नहीं रखा, इन तीनों की LCM ये आ रही है। तो देखें, यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, यानी कि जो भी n का वैल्यू, अब देखें इन दोनों में अब कॉमन कौन सा है, 3, तो ये यहाँ रहा 3 और ये एक 7 भी है, ठीक है, और ये आपका फिर दूसरा दो मरतबा 2, तो ये 2 रहे, फिर 3, 7 नहीं है इसमें, तो हम कहेंगे हम n का वैल्यू 7 ले लें, अगर 7 इंटू 1 तो ये 7 हो सकता है। और उसने भी कहा आगे कि n आपका 8 हो, तो हम कहेंगे 7 8 भी है तो 7 हम ले सकते हैं, और कौन से नंबर ले सकते हैं, देखें बेटा जी, 7 का मल्टीपल 21 भी ले सकते हैं आप। अब देखें वो कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 1, अब 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3, अच्छा जी, फिर 21 के फैक्टर्स चलें, इनका वैल्यू मैं 21 लेता हूँ, 3 इंटू 7 आ जाते हैं। अब देखें इनकी एलसीएम निकालें आप, एलसीएम 45 आनी चाहिए, सब में कॉमन 3, दो में ही अगर कॉमन हो तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन कॉमन कोई और नहीं है, चलें फिर मैंने ये 3 भी रख दिया ऊपर वाला, फिर ये दोनों 2 भी रख दिए आपके भले के लिए, फिर मैंने ये 7 भी रख दिया, और यही हमारे फैक्टर थे 252 के, तो यहाँ पे आप 21 भी रख सकते हैं, ठीक है।
और कोई नंबर रख सकते हैं, तो एन के वैल्यू कौन कौन से आ गए, एन के वैल्यू एक आ गया 7, दूसरा आ गया 21। मेरे जहन में एक और नंबर भी चल रहा है, चेक कर लेते हैं उसे, 9, 3 × 3 × 1। चलिए 12 के फैक्टर्स क्या थे, 2 × 2 × 3 × 1। यहाँ पे अगर मैं 63 रख दूँ, 63 के पहले आप फैक्टर्स तो निकालें, 3 का टेबल जाता है इस पे 2 × 1 × 3 का टेबल 7 × 7 × 1, तो यहाँ पे आप 3 × 3 × 7 भी रख सकते हैं। अब इनकी एलसीएम निकालें, एलसीएम यहाँ पे कैसे निकलेगी देखें, थोड़ा सा तीनों में कामन, पहले देखें तीनों में कामन 3 है, तो आपने 3 को बाहर ले लिया, तीनों में कामन अगर 3 था तो फिर 2 में अगर कामन है कोई, हाँ यहाँ पे 2 में कामन 3 है, और फिर और कोई कामन 2 में या किसी 2 में ए तीनों में नहीं, फिर जो रह गए वो अनकामन 2 × 2 × 7। और ये आप देखें कि यही आंसर यही फैक्टर आए, तो ये 250 आ रहा है, तो हम कहेंगे एन का वैल्यू एक तो 7 हो सकता है, दूसरा 21 हो सकता है, तीसरा 63 हो सकता है, और ये तीनों आपके ऑड हैं, तो ये आपका रहा आंसर कि एन के वैल्यू ए हो सकते हैं। सर आगे आगे नहीं हो सकते, ये तीनों ही हो सकते हैं। अब आगे हम जब बढ़ जाएंगे ना तो कोई ना कोई नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका रहा कि इसके आंसर्स जो एन के वैल्यू हैं 7, 21 और 63। चलें क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब, और 11 में क्या कहता है, ये बड़ी आपने चीज़ें समझनी है, बड़े गौर से समझनी है, ठीक है। 11 में भी यही बातें कर रहा था जो पीछे इसने की हैं, कौन सी देखें, डिटरमाइन, यहाँ पे भी आप खुद करें, क्या करें, स्टेटमेंट बताएं गलत है या ठीक है, कंफर्टेबल एग्जांपल भी दे दें, ये आपने ऊपर पढ़ ली। अब कह रहा है 6 इज द मल्टीपल ऑफ नंबर, 6 किस किस का मल्टीपल है, 6 के मल्टीपल्स क्या हैं, 6 है फिर कौन सा है, 12, या मैं ऐसे कर लेता हूँ, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, ठीक है, 6 × 5 = 30, एंड सिमिलरली यूं ही आप जाएंगे। देन 12 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, अब 6 12 के मल्टीपल निकालें, 12 के मल्टीपल 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48। अब ऐसे निकालें, अब देखिए यहाँ पे बात समझनी है, अगर जिन नंबरों का 6 मल्टीपल है तो 12 भी उन नंबरों का मल्टीपल है, देखें 6 × 2 = 12 हो रहा है, तो यहाँ पर 12 × 1 = 12 हो रहा है, तो जाहरी बात है यानी कि 12 के मल्टी जिन नंबरों का मल्टीपल है, सॉरी ये बात मैंने यहाँ पे गलत कर दी, सॉरी, देखें 6 × 2 = 12 है, तो 12 भी उसी नंबर का मल्टीपल है ना, 24, देखें ये आ रहा है ना, अच्छा फिर हमारे पास आ गया आगे कौन से नंबर होंगे, 6 × 3 = 18 नहीं है, 6 × 4 = 24, तो 4 का अगर मल्टीपल है तो ये फिर वही बात आ गई, अच्छा 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36 होंगे, 6 × 7 = 54 होंगे, 6 × 16 जब आप आगे जाएंगे तो 6 × 10 = 60 होगी, और यहाँ पर 12 × 5 आपके पास 60 होगा, तो यानी कि जिनका मल्टीपल 6 भी है उनका मल्टीपल 10 भी है, तो ये बात तो ठीक है आपकी, चलें ये बात आपने हमने कह दी आपके, ठीक है। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ नंबर, देन 6 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, अब इसी तरीके से आपने ये तीनों खुद करने हैं, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बैक कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास और क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में ये क्या कहता है, ये हम थोड़ा आगे चलेंगे, आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखें तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में क्या कहता है, आपने इसे थोड़ा सा समझना होगा बेटा जी, सो सी अ क्लास इज
बिटवीन 30 to 40 स्टूडेंट्स। अब एक क्लास है जिसमें 30 से 40 बच्चे हैं, ठीक है, वो नहीं बता रहा कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो एक हाइपोथेसिस दे के दे रहा है कि 30 से 40 के दरमियान है। Each boy in the class bring 15 chocolate balls for a party to celebrate Teacher's Day. हर बच्चा बंदा बॉय याद रखिएगा, ये बॉय लेके आ रहा है, हर एक बॉय 15 चॉकलेट बॉल लेके आ रहा है टू सेलिब्रेट अ टीचर्स डे। अब टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें सारे टीचर्स हों, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। द चॉकलेट बॉल्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग द 20 गर्ल्स ऑफ द क्लास एंड द फॉर्म टीचर विथ नो लेफ्ट ओवर। अब ये कह रहा है कि गर्ल्स जो हैं क्लास की 20 आपकी गर्ल्स हैं उनके दरमियान और एक टीचर के दरमियान, जो टीचर है शायद क्लास में एक ही है, तो उसके दरमियान ये चॉकलेट बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो यानी कि 15 चॉकलेट बॉक्स आपके डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अमंग द 21 पीपल, ठीक है। अब देखिए इनको मिलते कितने हैं, तो हैं कितने बंदे, तो इसके लिए हमने LCM निकालनी है इसकी और 15 की, ठीक है, बॉयज़ तो मालूम करनी है। तो सबसे पहले LCM का 3, तो 3 का टेबल 21 पे 7 टाइम एंड एग्जैक्टली 15 पर 5 टाइम जाएगा, एंड देन 5 का टेबल जाएगा आपका 7 पर नहीं जाएगा, लेकिन 5 का 5 पर 1 टाइम एंड 7 का इस पर 1 टाइम। का मकसद है अगर आप 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई और 7 के साथ मल्टीप्लाई की जाए तो इनकी LCM आती है 105, जिनकी 21, जिन लोगों में ये 15 चॉकलेट बार्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो 105 उनकी LCM आ रही है। अब ये क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब देखें अगर मैं मान लूँ कि क्लास में आप मान लूँ 30 बच्चे हैं, तो उसमें से माइनस कर लें आप 20 गर्ल्स, तो क्लास के अंदर एग्जैक्टली 10 बॉयज़ हो सकते हैं, अगर मैं मान लूँ 30 हैं। अगर ये कह रहा है कि 40 और 30 के दरमियान अगर मैं मान लेता हूँ 40 हैं, तो ये 20 हो सकते हैं, यानी कि बॉयज़ कैन बी इन बिटवीन ऑफ 10 to 20, ये बॉयज़ इन दोनों के दरमियान हो सकते हैं। अब कौन से हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, लेकिन 105 को 10 से कम 7 डिवाइड कर रहा है या 10 से ऊपर 14 डिवाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि 14 बॉयज़ हैं। अब वो कैसे पता चला 14 बॉयज़ हैं। अब बॉयज़ 14 इसलिए हैं क्योंकि ये 10 और 20 के दरमियान है और 7 का मल्टीपल 14 वही खास नंबर है जो इस 105 को डिवाइड करेगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई क्लास के अंदर जो बॉयज़ हैं, दीज बॉयज़ आर 14, 14 बॉयज़ हो। अब चलते हैं आगे, 14 तो बॉयज़ हो गए। गर्ल्स कितनी थी, तो गर्ल्स आपकी थी 20, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए बेटा जी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 34, यानी के 34 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन पार्ट वन का आंसर आ गया। हाउ मेनी चॉकलेट बार्स देयर फॉर्म्स टू रिसीव अ टीचर, देयर फॉर्म अ रिसीव अ टीचर। अब देखें चॉकलेट बार्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वो 21 लोगों में किए गए, 20 लड़कियां और एक टीचर में। अच्छा, कितना हर बॉय चॉकलेट बार लेके आया था, 15 चॉकलेट बार एक एक बंदा बच्चा लेके आया था। अब देखें 21 को अगर हम मैं गलत चल रहा हूँ। देखें अब बॉयज़ कितने हैं, 14 हैं, अगर आप 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो हर बच्चा 15 लेके आया था, तो 14 बॉयज़ कितने लेके आए होंगे, 210 चॉकलेट बार्स लेके आए, ठीक है। अब ये 210 डिस्ट्रीब्यूट किए गए अमंग द 21 पीपल, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, तो हर बंदे को 10 चॉकलेट बार मिले हैं, ठीक है। तो एक आंसर आ गया आपके पास बेटा जी 34,
और बी का आंसर आ गया एग्जैक्टली टीम। ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं, अब देखें आगे क्या कहता है, आपने आगे थोड़ा सा इसे समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को, 14 में क्या कहता है, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। अब देखें 14 में बड़ी आसान चीज है, माइकल एक बंदा है। अब माइकल क्या कहता है, माइकल इज एन आर्ट लेक्चर प्रोग्राम स्टूडेंट हु इज वर्किंग ऑन असाइनमेंट। ही प्लान टू कवर द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशन 126 सेंटीमीटर बाय 108 सेंटीमीटर विद आइडेंटिकल स्क्वायर पैटर्न्स। अब देखिए एक बंदा है जिसके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है। अब वो कौन सी रेक्टेंगुलर शीट है, ये वाली रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। अब ये चाह रहा है कि मैं इस रेक्टेंगुलर शीट को स्क्वायर कौन से, जिसकी चारों साइडें एग्जैक्टली एक जैसी हो, ऐसे स्क्वायर्स से ढकना चाह रहा है, यानी कि वो कवर करना चाह रहा है, इन सारे स्क्वायर से वो कवर करना चाह रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या पता कि ये कितने स्क्वायर से कवर होगी, जबकि उसने कुछ चीज़ें हमें बताई हुई हैं। देखें कौन सी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, ये थोड़ा सा ध्यान करें। अब इतने स्क्वायर से, पहली बात उसने बताया हुआ है कि आपके पास ये जो भी शीट है इसकी रेक्टेंगुलर, इसकी ये वाली साइड 126 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 108 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए आगे, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ पैटर्न दैट कैन फॉर्म द ऑन दिस शीट ऑफ पेपर। कितने स्क्वायर्स आप इस शीट ऑफ पेपर पर, ये वाले कितने स्क्वायर्स दे सकते हैं, देखिए ये वाले स्क्वायर्स आप कितने दे सकते हैं। अब मुझे क्या पता मैं कितने स्क्वायर्स दे सकता हूँ, तो उसके लिए हम जाएंगे इन नंबरों की HCF निकाल, ठीक है। तो चलिए हम इन नंबरों की HCF निकालते हैं। अब देखिए 108 और 126 लीस्ट काम लीस्ट नंबर पूछा है ना, इस वजह से हम HCF निकाल रहे हैं। अब इन दोनों पे 2 का टेबल जा रहा है 54 टाइम और इस पे आपका 6 एंड 3 टाइम, 3 का टेबल जा रहा है दैट इज एग्जैक्टली 54 पे जा रहा है आपका एग्जैक्टली 3 वन जा एंड 18 टाइम और इस पे 21 टाइम, फिर 3 का टेबल जा रहा है 9 एंड 7 टाइम। तो यहाँ आगे कोई कॉमन नंबर ने डिवाइड नहीं कर रहा, तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 18 18। अब देखिए हमें नंबर ऑफ स्क्वायर पैट पूछा था, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे, तो 108 की लेंथ है 18 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आई थिंक सो दिस वुड बी 6, तो ये आपका 6 आएगा आंसर। अच्छा 126 को अगर आप 18 से डिवाइड करती हैं तो ये आपके पास एग्जैक्टली 7 आंसर आएगा, यानी कि इन दोनों का अगर आप मल्टीपल निकाल दें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 42। क्या आ जाएगा, 42 इन दोनों का मल्टीपल निकाल। तो यानी कि ऐसे स्क्वायर्स जो आपके हैं वो एक ही आइडेंटिकल शेप के एटलीस्ट जो स्क्वायर्स हैं वो कितने बनेंगे, वो एग्जैक्टली आपके पास बनेंगे 42 स्क्वायर्स बनेंगे जो इस सारी शीट को कवर कर सकेंगे। अब मैंने वो 42 स्क्वायर्स लेंथ उसने नहीं कहा था कि मुझे लेंथ बताओ इतनी कितनी लेंथ होगी ये वो, तो ये इसने नहीं पूछा। अब दूसरी बात इसने क्या कह रहा है, अब ये इतने काम की नहीं है, इसमें एक थोड़ी सी फजूल बात कर रहा है, आप इसे निकाल दें अपने सेंस। आगे चलते हैं, आगे देखिए माइकल बंदा अब दूसरे किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब ये बंदा किसी और नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, अब उस नए प्रोजेक्ट में क्या है देखिए थोड़ा सा। नए प्रोजेक्ट में ये कहता है कि माइक, अब देखिए मैं इसे आपको लेके चलता हूँ साइट पर, और साइट को छोड़िए आप देखिए यहाँ से। अब माइकल इज एन आर्ट इलेक्ट्रिक प्रोग्रामर हु इज वर्किंग ऑन असाइनमेंट
on an assignment, he designed rectangular patterns of 42 millimeters by 42 millimeter, 45 millimeter and by 42 millimeters का ये एक rectangular shape layer आया. He is required to use the identical rectangular pattern to form the square. The maximum area of square is allowed 1.6. अब देखिए, आप ऐसा करें, 45 और 42 की LCM निकालें, ठीक है? अब देखिए, 45 और 42 की आप अगर LCM निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगी? देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर. 45 और 42 की एलसीएम निकालें. अब 45 एंड एग्जैक्टली आपके पास है 42. अब इन दोनों की एलसीएम, इनके कौन सा टेबल जा रहे हैं? पहले आप 3 का लगाएं, 1 टाइम एंड 5 टाइम. 3 का इस पर 1 टाइम एंड 12 पर 14 टाइम. फिर 3 का जा रहा है 5 टाइम एंड अगेन 14. सो 2 का टेबल जा रहा है, 5 पर नहीं जा रहा, तो 14 पर जा रहा है 7 टाइम. अब 75 का टेबल 1 एंड 7 टाइम. फिर 7 का टेबल इस पे जा रहा है 1 एंड 1 टाइम. आप ऐसा करें कि 3 को 3 से, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से मल्टीप्लाई करें. यू गेट देयर मल्टीप्लिकेशन. इसका आंसर आएगा 630 आएगा. अब आपने क्या करना है कि देखें, ये इतना एलसीएम आएगा इतनी मिलीमीटर की रेंज का. अब 630 को आप एग्जैक्टली 42 से मिलीमीटर वाले से डिवाइड करें. अगर आप 42 से डिवाइड करते हैं, दैट वुड बी 15. और 630 को अगर आप एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं 45 से, दैट रिजल्ट वुड बी इक्वल्स टू 14. ठीक है. अब इन दोनों को आप करें मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? दैट वुड बी 210. हाउ मेनी पैटर्न्स डज द नीड टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट स्क्वायर? 210 पैटर्न यानी कि स्क्वायर्स फॉर्म होंगे इतनी मिलीमीटर की रेंज से. अब ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर, हाउ मेनी पैटर्न डज ही नीड टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट स्क्वायर? वो 210 होंगे स्मॉलेस्ट स्क्वायर के पैटर्न फॉर्म करने के. ठीक है, चले आगे. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी फॉर्म? लार्जेस्ट स्क्वायर के डायमेंशंस क्या होंगे? अब देखें, अगर आप डायमेंशन ऑफ स्क्वायर रूट निकालना चाहें इसके, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ पर लेके चलता हूँ. देखिए यहाँ पर आगे एक पैटर्न आएगा. सॉरी, दैट वुड बी एज अ विंडो कैप्चर, स्क्रीन नंबर 2. और यहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं यहाँ. ठीक है, ये देखें आप यहाँ. अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या कहता है कि आप ऐसा करें कि स्क्वायर रूट निकालें. किसका? 1.6 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? सो सी है, रिजल्ट आएगा आपके पास. ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम था, तो इसलिए मैंने यहाँ समझा यहाँ पे करवा दूँ. ये आ जाएगा, ये आएंगे मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर्स आ जाएंगे. अब मीटर्स को आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट, क्योंकि आपके पास जो 1.6 दिया गया है ये मीटर में दिया गया है. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द 1.6 स्क्वायर मीटर, तो आपके पास ये आ जाएंगे मीटर. अब मीटर को आपने फिर कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें. ठीक है, अब इतने मिलीमीटर को आपने इसकी पूरी एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इतना आंसर. तो दिस वुड बी ऑलमोस्ट 2. ठीक है, ये कह रहा है ऑलमोस्ट 2 आएगा. अब इसे मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो 1260 मिलीमीटर्स हैं. लेकिन अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे मीटर्स में, तो ये 1.26 मीटर हो जाएगा. ठीक है, सो 210 पैटर्न्स ऑफ 1.26 मल्टीप्लाई बाय 1.26, यानी कि जो आपके ये स्क्वायर्स बनेंगे, 210 पैटर्न के स्क्वायर बनेंगे, हर स्क्वायर की 1.26 मीटर और 1.26 मीटर रेंज होगी. अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड जो भी आ जाएगी इसकी
एरिया होगी। ठीक है, आई थिंक सो ये आपको बात समझ आ गई। अब चलते हैं हम इसके अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है देखिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से क्वेश्चंस एंड हो गए और फिर आपके साथ हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। याद रखिए, अब जो आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज है, यानी कि ये आपके पास चैलेंज क्वेश्चंस हैं, जो भी हैं उन्हें आप थोड़ा सा खुद करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीजर, रेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।